नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इसके चार ऑप्शंस होंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, जैसे अगर आपका एग्जाम एमटीएस का है जो कुछ दिन बाद होने वाला है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से देखने हैं, उसको पेन डाउन करना है। अगर आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से आता है तो आप पेन डाउन मत करिएगा, उसको नोट मत करिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लेकिन देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बाजू में आपको एक आइकन दिखाई देगा घंटी का, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, ये जो बुक है, ये बुक है एसएससी के, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस का सिलेक्शन कलेक्शन करा गया है, ये है जीएस की। अगर ये बुक आपके पास में है तो केवल आप इस पर फोकस करिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक होगा बुक को परचेस करने का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, आपको जहां से बेस्ट लगे वहां से परचेस करिए। अगर आपके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है, आप फाइनेंशियल थोड़े से वीक हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी इस बुक को रीड कर सकते हैं। जैसे भी आपको बेस्ट लगे आप वैसे करिए। टारगेट ये है कि पढ़ाई होनी चाहिए और सिलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि कम पढ़ूंगा लेकिन अच्छा पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि एग्जाम को मैं क्रैक कर रहूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये पार्ट टू होगा। पार्ट टू हम ऑलरेडी, पार्ट वन हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या कोई और ऑप्शन देगा? आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए इसका आंसर, श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी, उस संधि का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, पट्टम बोल सकता है, पट्टनम भी बोल सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की ओर। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एमटीएस 2011 में पूछा गया था क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख रहे हैं। सभी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसमें मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि 2005 में, 2011 में, वो आप सामने देख ही रहे हैं, तो आपको चल जाएगा पता इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट्स में लिखना है अपने कि खालसा पंथ की स्थापना इक्वल लिखिए 1699, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और ये किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने करी थी, ये करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। खालसा की स्थापना किसने करी थी? देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सेम ऐसे ही आ गया हमारे सामने, और ये इसका आंसर क्या है हमने क्वेश्चन नंबर टू में अभी रीड करा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर की, अकाल तख्त का निर्माण किसने करा था? अकाल तख्त का जो निर्माण करा था वो करा था गुरु हरगोविंद ने। ये कौन से नंबर के गुरु थे सिखों के? ये थे सिक्स्थ नंबर के गुरु। क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यह है कि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, 300 वर्ष पूरे हो गए थे, तब से क्या स्टार्ट हुआ? बैसाखी का त्योहार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर कि गुरु नानक की जीवनी लिखी थी किसने?
किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और ये एमटीएस में पूछा गया था 2002 में। तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव जिनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। लहना इनका प्रारंभिक नाम था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लहना किस सिख गुरु का नाम था, वो था गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसने किया? गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंह को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843 में। एमटीएस 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए केवल एक ही सहारा है आपके पास में। अगर आपने लूसेंट जो बुक है जीएस की वो ढंग से नहीं पढ़ी है और अब उसको पढ़ने का इतना समय नहीं है आपके पास में, आपका एग्जाम 7 दिन बाद होने वाला है, 8 दिन बाद होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन है तो केवल प्रीवियस क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम में केवल उन पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 9। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम था कालू मेहता तथा माता का नाम था तृप्ता देवी। माता का नाम, पिता का नाम और साथ में इनका जन्म कब हुआ था वो वर्ष आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि 1469 में हुआ था। पिता का नाम था कालू मेहता, माता का नाम था तृप्ता देवी और ये तलवंडी कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह किस सिख गुरु ने अपने आप को कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली जो समाप्त हुई थी वो कब हुई थी, समाप्त किसने करी थी? ये समाप्त करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध सिस्टम जो था वो जो समाप्त करा था वो करा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने और क्लाइव के द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी और ये समाप्त करी गई थी 1772 में। जैसे कि आप नीचे इसकी डिटेल आप रीड कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से इसकी डिटेल क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेटिंग। 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था कहां पर? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा सैयद भाइयों को गिराया। देखिए पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो उसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 16। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? नादिर शाह ने जब आक्रमण करा था दिल्ली में उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद शाह। कब करा था? 1739 में ये आक्रमण हुआ था। जो भी हाईलाइट कर रखे हैं ग्रीन पेन से तो प्लीज उसको उस पे आपने फोकस करना है और क्वेश्चन ध्यान से नोट करना है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कुछ नहीं करना, केवल बस एक बार वीडियो को वॉच करिए। नोट्स बनाने के बाद में इस वीडियो को एक बार और प्ले करना, नोट्स के साथ उसको टैली करना अपने। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? उसका नाम था करनाल। और ये युद्ध कब हुआ था, करनाल का युद्ध कब हुआ था, कभी कभी ये पूछता है एग्जाम में, ये हुआ था 1739 में 13 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 18 है अवध के स्वायत्त का संस्थापक कौन था? सआदत खान। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। और तृतीय जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1790 से 1792 में। क्वेश्चन नंबर 20। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह।
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, या पूछेगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था? हरगोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये आप याद रखिएगा दोनों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि हम लोग, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1849। क्वेश्चन नंबर 22, चीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके, उसका नाम क्या था? उस राजपूत शासक का नाम था राजा सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर सेट करते हैं, जो बोर्ड में लोग बैठते हैं उनके लिए काफी फेवरेट क्वेश्चंस हैं। वो एग्जाम में अपने कुछ फेवरेट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटिक क्वेश्चंस होते हैं, वो जरूर रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 उसी कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 24, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा, कालीकट, कन्नौर या कोचीन? तो इसका राइट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच का। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वॉडी वॉस की लड़ाई। और ये कब हुआ था ये आप याद रखिएगा, वॉडी वॉस का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में, एग्जाम में ये पूछता है। वॉडी वॉस की जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, उस वर्ष का नाम है 1760। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था किस युद्ध में? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, परास्त कर दिया था, उस युद्ध का नाम क्या है? उस युद्ध का नाम था वॉडी वॉस की लड़ाई। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 27 दोनों सेम सही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो उसने चेंज कर दी। तो देखिए एग्जाम में वो लैंग्वेज चेंज करेगा तो प्लीज कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान वही है जो एग्जाम में काम आए। अगर ज्ञान को आप अपने जो भी जीके पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़े, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और उसको रिवाइज करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर बिना पूछ ले आप उसका सही जवाब देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में हमने देखा कि वॉडी वॉस के जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में, लेकिन किस किसके बीच में हुआ था, हमको ये भी अपने नोट्स में लिखना है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त करा। तो क्वेश्चन नंबर 28, 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 28 में कहता है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वॉडी वॉस की लड़ाई। तो नोट्स में केवल ये लिखना है वॉडी वॉस वार, फिर लिखिए किस किस के बीच में हुआ था, फिर लिखिए कब हुआ था, वर्ष का नाम। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है, बस जी, ये बस नहीं है, 28 क्वेश्चन हमने कम से कम कवर करे हैं। अगर ये आपने ढंग से रीड कर लिए तो ये वीडियो पूरा सार्थक है आज का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन का, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर लो। अगर परचेज नहीं करना चाहते इस वीडियो के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।